1 अगस्त 1932 का दिन था। मुंबई में एक क्लिनिक के बाहर मास्टर अली बख्श नाम के शख्स बड़ी बेसब्री से अपनी तीसरी संतान के जन्म का इंतजार कर रहे थे। दो बेटियों के जन्म लेने के बाद इस बात की दुआ कर रहे थे कि इस बार में बेटे का मुंह दिख जाए। तभी अंदर से बेटी होने की खबर आई और माथा पकड़कर बैठ गई। मास्टर अली बख्श ने तय किया कि वह बच्ची को घर नहीं ले जाएंगे और बच्ची को अनाथालय छोड़ आए, लेकिन बाद में उनकी पत्नी के आंसुओं ने बच्ची को अनाथालय से घर लाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। बच्ची का चांद सा माथा देखकर उसकी माँ ने उसका नाम रखा महाजबीन। बाद में यही महाजबीन फिल्म इंडस्ट्री में मीना कुमारी के नाम से मशहूर हुई। वर्ष 1939 में बतौर बाल कलाकार मीना कुमारी को विजय भट्ट की लेदर फेस में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट के निर्देशन में ही बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। फिल्म की सफलता के बाद मीना कुमारी बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई। वर्ष 1952 में मीना कुमारी ने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के साथ शादी कर ली। वर्ष 1962 में मीना कुमारी के सिने कैरियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी आरती, मैं चुप रहूंगी और साहेब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। इसके साथ ही इन फिल्मों के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित की गई। यह फिल्म फेयर के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जहां एक अभिनेत्री को फिल्म फेयर के 3 नॉमिनेशन मिले थे। वर्ष 1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही की विवाहित जिंदगी में दरार आ गई। इसके बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही अलग अलग रहने लगे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा के निर्माण में लगभग 14 वर्ष लग गए। कमाल अमरोही से अलग होने के बावजूद मीना कुमारी ने शूटिंग जारी रखी, क्योंकि उनका मानना था कि पाकीजा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका बार बार नहीं मिल पाता है। मीना कुमारी के कैरियर में उनकी जोड़ी अशोक कुमार के साथ काफ़ी पसंद की गई। मीना कुमारी को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 4 बार फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया है। इनमें बैजू बावरा, परिणीता, साहेबी भी और गुलाम तथा काजल शामिल हैं। मीना कुमारी यदि अभिनेत्री नहीं होती तो शायरा के रूप में अपनी पहचान बनाती। हिंदी फिल्मों के जाने माने गीतकार और शायर गुलजार से एक बार मीना कुमारी ने कहा, ये जो एक्टिंग मैं करती हूँ उसमें एक कमी है, ये फन, ये आर्ट मुझसे नहीं जन्मा है। ख्याल दूसरे का, किरदार किसी का और निर्देशन किसी का। मेरे अंदर से जो जन्मा है वह लिखती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वह लिखती हूँ। मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में अपनी कविताएं छपवाने का जिम्मा गुलजार को दिया। उन्होंने नाज उपनाम से इनकी कविताओं को छपवाया। सदा तन्हा रहने वाली मीना कुमारी ने अपनी रचित एक गज़ल के जरिए अपनी ज़िंदगी का नज़रिया पेश किया है। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, राह देखा करेगी सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। लगभग 3 दशक तक अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिल पर राज करने वाली हिंदी सिने जगत की महान अभिनेत्री मीना कुमारी 31 मार्च 1972 को सदा के लिए अलविदा कह गई। मीना कुमारी के करियर की अन्य उल्लेखनीय फिल्में हैं आज़ाद, एक ही रास्ता, यहूदी, दिल अपना और प्रीतप्राई, कोहिनूर, दिल एक मंदिर, चित्रलेखा, फूल और पत्थर, बहू बेगम, शारदा, बंदिश, भीगी।